मैं 10-12 साल से माँ से जुड़ी हुई हूँ। बोलती है जिसको तुमने अपने मंदिर में बिठाया उसकी पूजा करो और घर में अपने मम्मी पापा की पूजा करो। वो क्या बोलते हैं, जिसको तुमने अपने मंदिर में बिठाया ना उसकी पूजा करो, मैं और रूप में तुम्हें दर्शन दूंगी। आपने ऐसे ही भक्तों के थ्रू, भक्तों ने बोला तो हम दर्शन करने गए। बस 10-12 साल से माँ से जुड़े हुए हैं, जो चाहिए वो मिल जाता है। आप जब एक बार अच्छा लगा उनका दर्शन करने ही अपने को शांति मिली, अच्छा लगा। आप क्या राजू जी कैसे कर गए, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू देवी माँ से जुड़ी रही। तो लोहड़ी वाले दिन हम देवी माँ के दर्शन करने गए, या मेरे ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर है, उनकी बच्चे हैं, उनकी बीवी है, हम पूरी फैमिली एक ही जगह रहते हैं। सब सभी ने आज दर्शन, सब ने दर्शन किया देवी माँ का, सबको आशीर्वाद मिला देवी माँ का। देवी माँ ने कभी यही दिया, हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, नहीं एक फूल भी देवी माँ को लेके जाते तो देवी माँ बोली है तुम ऐसे दर्शन करने आ जाओ। बस के दर्शन बहुत अच्छी से हुए। राधे माँ बोलती हैं कि सिर्फ ह्यूमैनिटी में बिलीव करो, अपने माता पिता की सेवा करो, वही उनके लिए बहुत बड़ा काम है। और आप कभी भी दर्शन के लिए अगर आएँ तो आपको इतनी अच्छी वाइब्स आएंगी वहाँ जाकर, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और आप बार बार आते रहेंगे। उनकी तरफ से कोई मांगा कुछ वो नहीं है, डिमांड जो मांगो मिल जाता है, जो मांगते हैं हमें वो हमें देती हैं, हम उनको कुछ नहीं देते हैं। दर्शन किए हुए हैं आज, स्पेसिफिकली दर्शन के लिए आई हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि हमें उन्हें बताना नहीं पड़ता कि हमें क्या चाहिए या क्या जानना है या क्या पूछना है, वो खुद हमें देखकर बता देती है कि यस ये है इनकी डिमांड और वो हो जाएगी पूरी। और उन्होंने आज तक हमसे कोई मांग नहीं की, सिर्फ हमें आशीर्वाद दिया है और हमेशा आशीर्वाद आगे भी देंगे। करती है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं और वो हमें उसका सुझाव भी देती है और उसी प्रकार में आशीर्वाद भी देती है। और हमेशा यही बोलती है कि माँ बाप की इज्जत करो। तो आप